माय चैनल गाइस, इतना टाइम के बाद फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। आप कहाँ पर रहते हो, मतलब कौन से कंट्री में रहते हो, इन कौन से शहर में रहते हो, जरूर मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि आपके शहर में भी क्या लॉकडाउन चल रहा है, और चल रहा है तो आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर ही करूंगी। और सुबह सुबह इतना ज्यादा सच धज के मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही उठ के मैंने दो और वीडियो शूट की प्लान किया है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत सजना धजना करना पड़ा। चलिए दिन का शुरुआत करते, मतलब दिन तो शुरू हो ही चुका है, फ्रेश भी हो चुकी हूँ, सच धज भी चुकी हूँ, पर जो भी आगे चल के करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, देखते रहिए। तो गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में और मैं आपको दिखाऊंगी, ये चलता रहेगा, आज पूरा दिन चलता रहेगा क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट में काम चल रहा है। आपको एक अपडेटेड न्यूज देती हूँ, मम्मी घर पे नहीं है, आज भी नहीं आएगी, कुछ दिनों के बाद आएगी। मुझे पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे, शायद तब तक आ जाएगी जब तक देखोगे, बट फिलहाल नहीं है घर पे। एंड आज मेरी जो काम वाली बाई है वो भी नहीं आई है, तो इतना सारा जो है ना यहाँ पर बर्तन पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी सबसे रियलिस्टिक चीज, मतलब मैं ये सारे बर्तन को धोने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं बर्तन को नहीं धोंगी तो मैं किस में खाऊंगी, मेरे बच्चे जो है चुन्नू मुन्नू तीन महापुरुष वो तीनों कैसे खाएगा। छठ से सिम्बा जीनी और लकी का खाना रेडी कर लूंगी और उसके बाद आई कैन मूव ऑन टू माई डे। मैंने सुबह से एक कप चाय भी नहीं पिया, यू नो, बस रेडी होके थोपड़ा बना के काम किए जा रही हूँ। मैंने रेडी कर लिया है तीनों का खाना, एक दो तीन, ऑल रेडी, लेट्स गो। फाइनली मैंने इन तीनों को खाना दे दिया है, अभी मैं जाके अपने लिए चाय बनाऊंगी। पिछले कुछ वीडियो से आप में से कई सारे जन मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरे बालों की जो टेक्सचर है इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे हो चुका है। मार्केट में इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलता है गाइस कि मेनी टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड, और अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने बालों पर लगा भी लेते हैं फिर भी वी डू नॉट गेट दैट एक्स्ट्रा केयर वी नीड फॉर अ वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट हेयर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा ही एक प्रोडक्ट जो आपके बालों को वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होता है ना वो देगा, एंड यूसेज के साथ आपके बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और नरिश बनाएगा। सो मैं बात कर रही हूँ बायोलॉज की ये डीप ट्रीटमेंट पैक्स के बारे में। मैं आपको दिखा रही हूँ तीन वेरिएंट इन पैक्स की। सबसे पहला वेरिएंट है कलर लास्ट पैक, जिसके अंदर ऑर्किड एंड एप्रिकॉट सीड है। ये डीप ट्रीटमेंट पैक परफेक्ट है फॉर कलर ट्रीटेड हेयर। सेकेंड वन इज हाइड्रा सोर्स पैक, जिसके अंदर है एलोय एंड स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट, जो ड्राई हेयर के लिए परफेक्ट है। आज इस्तेमाल करूंगी जो कि है स्मूथ प्रूफ पैक। इस पैक में है कैमिलिया एंड कैस्टर ऑयल की गुडनेस, इट इज परफेक्ट फॉर फ्रीजी हेयर। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने अपने बालों को शैम्पू करके धो लिया है और एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट कर लिया है। अभी मैं भीगे बालों में ही सिल्किंग मोशन में ये डीप ट्रीटमेंट पैक को अच्छे से लगा लूंगी। ये वाला आपके बालों में 90% मोर केयर प्रोवाइड करता है देन अ कंडीशनर। इस पैक में हाईएस्ट नंबर ऑफ केयरिंग इंग्रेडिएंट है, जिसके वजह से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। दीज आर पैक्ड विद सुपर फूड्स और आपके बालों को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा इन जस्ट 3 मिनट्स। मैं इस पैक को अच्छे से अपने बालों में लगाने के बाद 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी एंड फाइनली आई विल रिंस इट ऑफ यूजिंग वाटर।
पूरे रूटीन को फिनिश करूंगी बाय अप्लाइंग सीरम। आप देख सकते हो गाइस, ये पैक एप्लीकेशन करने के बाद मेरे बाल कितना ज्यादा मैनेजेबल और कितना ज्यादा स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं लग रहा है। और जब मैं बालों को झाड़ रही हूँ, द कॉम्ब इज मूविंग सो ब्यूटिफुली। MRP है ₹350 फॉर 100 mL ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप ये डीप ट्रीटमेंट पैक को ट्राई करना चाहते हो, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर ट्राई कर लेना और आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरी हेयर केयर रूटीन तो हो चुका है गाइस, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा अपने वर्क एरिया को जो है अपग्रेड कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है ये वॉल ग्रिड। इस ग्रिड में जो है आपने नेसेसरी का जो भी आपका कुछ भी आइडिया होता है, दिन का जो काम होता है, कुछ भी मोटिवेशनल होता है, आप उसको क्लिप ऑन कर सकते हो, साथ ही में चीज़ को डेकोरेट कर सकते हो। आई फील दिस थिंग इज़ वेरी मल्टी फंक्शनल, इसलिए मैंने ये भैया को बुलाया जो बगल में रहते हैं एंड ही इज़ जस्ट हेल्पिंग आउट विद द फिटिंग एंड ऑल। और आप देख सकते हो फिट कर दिया गया है, मैं भी बस ग्रिड को डेकोरेट करूंगी एंड माय वॉक एरिया विल बी प्रीटी डन। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना, बिकॉज आई फील दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल और ये चीज बिल्कुल मिस आउट था एंड दिस इज वेरी वेरी प्रीटी। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और मैं सुबह सुबह लेमन जूस पीती हूँ और साथ में ग्रीन टी भी कुछ देर के बाद लेती हूँ एंड वही मैं ले रही थी। और सबसे पहला जो काम होता है मैं करती हूँ गाइस आफ्टर माय शूट एंड एवरीथिंग, जो कि है मेरे डेस्क एरिया को क्लीन करना। मैं थोड़ी सी क्लीन फ्रीक हूँ व्हेन इट कम्स टू माय वर्क एरिया और मैं बिल्कुल मेसी तरीके से काम नहीं कर सकती। सो बिफोर आई स्टार्ट विद माय एडिटिंग एंड एवरीथिंग, आई एंश्योर कि मेरा डेस्क पूरा क्रिस्पी क्लीन रहे। मेरे घर में छोटे छोटे डॉग्स एंड पपीज हैं तो जो डॉग्स हेयर होता है ना बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है, सो आई हैव टू क्लीन दिस एवरी सिंगल डे व्हेन आई वेक अप, अदरवाइज ये बिल्कुल जो है बालों से भर जाता है। एंड वही मैं अभी करूंगी अपने डॉग्स, मैं अपनी एडिटिंग करूंगी, फिर कोई मूवी देखूंगी या कुछ देखते देखते एंड फिर जो भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, देखते रहिए। वाओ, तीन महापुरुष मेरे रूम में, ये है सादा पुरुष, ये है लाल पुरुष और ये है कापुरुष, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डरता है। कोई घर पे नहीं है, मेरा फ्राइड राइस बनाने का बहुत ज्यादा मन है तो मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शन में फ्राइड राइस बनाने वाले हो, क्योंकि चिकन है, मैं फ्राइड राइस और चिकन खाऊंगी और पेट पूजा करूंगी इसीलिए। तो चलिए झट से बना लेते हैं। और अगर आपके घर में भी लेफ्ट ओवर राइस है और ये सब छोटा छोटा चीज़ें ज़रूरत होता है वो सब है तो आप भी आराम से बना लोगे, बहुत ईजी होता है पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जो मैं बना रही हूँ गाइस, दिस इज़ बेसिकली इंडियन स्टाइल, मतलब बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस, दिस इज़ नॉट द टिपिकल चाइनीज फ्राइड राइस, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा घी और थोड़ा ऑयल यूज़ करती हूँ, इससे जो है ज़्यादा घी का स्मेल आता नहीं है, स्मेल बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता है पर घी का जो फ्लेवर है थोड़ा बहुत तो मिल जाता है एंड दैट इज़ ऑल आई नीड, नॉट द स्मेल। अगर आप घी ज़्यादा खाते हो तो घी डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है सिनेमन को, तो गरम मसाला, बे लीफ, और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले कैरेट। कैरेट्स के साथ साथ गाइस जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने कैरेट्स, कैप्सिकम और जो ग्रीन पीस होता है वो ऐड किया है। बीन्स थी नहीं, बीन्स होता तो अभी मैं वो भी ऐड कर देती। और मैंने इसके अंदर नमक बिल्कुल नहीं देना है और आपको भी देनी नहीं है, क्योंकि अगर आप नमक दे दोगे ना तो पानी छोड़ देगा, क्योंकि अब मैंने देख इसमें स्प्रिंग अनियन भी दिया है और स्प्रिंग अनियन के बाद इसको जब हल्का सा तल लूंगी फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्रोकन कैश्यूज, मैंने छोटे छोटे पीसेस किया हुआ कैश्यूज मैंने ऐड किया है इसमें। बहुत लोग किशमिश भी ऐड करते हैं पर मुझे पर्सनली किशमिश पसंद नहीं है तो मैंने दिया नहीं है। थोड़ा सा लेफ्ट ओवर और स्प्रिंग अनियन था जो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं तल लूंगी जब तक ये हल्का सा फ्राई नहीं हो जाए, डीप फ्राई नहीं करनी है, हल्का फ्राई करनी है। फिर जो लेफ्ट ओवर बासमती राइस थी मेरे घर पे मैंने उसको ऐड कर दिया है।
इस डिश में आप कोई भी एरोमेटिक राइस ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर इट इज एरोमेटिक। अगर आपके राइस एरोमेटिक नहीं है तो ये डिश ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छे से आपको ये मिला लेना है। जब आप सब्जी के साथ राइस को अच्छे से मिला लो, इसके अंदर आप डाल दोगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हल्का सा चीनी, क्योंकि इससे जो है स्वीट और सॉल्ट का जो बैलेंस है बहुत अच्छे से होता है। और मुझे थोड़ा स्पाइस भी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल दूंगी इसमें। अगर आप अजीनोमोटो डालना चाहो तो डाल सकते हो, पर मुझे डालना नहीं था तो मैंने इसलिए डाला नहीं है। एंड इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी और फिर थोड़ा देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी, हल्का सा स्टीम में कुक करने के लिए। ढक दूंगी मैं टॉप से और हमारा जो फ्राइड राइस है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो मैं प्लेट में परोस रही हूँ, इतना ही क्विकली ये तैयार हो जाता है। और कोई भी जो इंडियन डिशेस होता है ना, अगर आप फिश खा रहे हो, आलू दम खा रहे हो, या फिर आप चिकन कषा मटन खा रहे हो, तो उसके साथ इस स्टाइल में फ्राइड राइस बहुत अच्छा लगता है। डू ट्राई इट आउट। अगर आप ट्राई करते हो तो आपको कैसा लगा लेट मी नो, एंड ऑल्सो शेयर इन इंस्टाग्राम पिक्चर्स ताकि मैं उसको भी शाउट आउट दे पाऊँ। एंड यहाँ पर मैंने अपने लंच जो है निकाल लिया है, ये यमी यमी फ्राइड राइस साथ में चिकन कषा और साथ में है सलाद। इन तीनों को मैं खाऊंगी, खा के पेट पूजा करूंगी, करके अपने लंच को कंप्लीट करूंगी और फिर मैं जाऊंगी और शूट करूंगी एक हॉरर वीडियो जो शायद आप देख चुके हो। माँ कसम, इस इफेक्ट मेकअप उठाने से अच्छा होता अगर सच में ब्लडी मेरी पकड़ लेता। बाल निकल गया मेरा। गाइस ये शूट तो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ये तो मैंने बस स्किन केयर करके पहला पार्ट मेकअप का कंप्लीट किया था। आप जानते हो कि मैंने दूसरा बार भी मेकअप किया था जो मैं शाम में करूँ रिलैक्स करने के बाद, पर फिलहाल मेरा फेस थोड़ा सा आराम फील कर रहा है विथ ऑल दैट स्क्रैचिंग। तो आज यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हवा दे रहा है और सुबह सुबह बहुत बारिश वाला भी मौसम लग रहा था, और इसीलिए मैं थोड़ा सा बालकनी में बैठी हूँ इन बच्चों के साथ और हवा का मज़ा उठा रही हूँ। आज तक लाइफ में मैंने जितने भी हॉरर मेकअप किया है ना, दिस वॉज द फ्रिकीएस्ट ऑफ ऑल, फ्रिकीएस्ट ऑफ ऑल। देखो ये देख के लग रहा है ना रियल का चमड़ा जो है फेस से निकाल दिया है, और ये काज देखो, ये देख के लग रहा है ना कि मैंने रियली में ग्लास निकाला है पूरा। तो गाइस फाइनली मेरी शूट खत्म हो चुकी है, एंड बाय द टाइम मेरा शूट खत्म हुआ इट वाज 4 AM इन द मॉर्निंग, सुबह का 4 बज चुका था। अगर आपने मेरी ब्लू बेबी वाला चैलेंज देखा है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। आप बहुत ज्यादा हॉरर वीडियो रिक्वेस्ट करते हो तो मैंने बहुत मेहनत करके रादर वो वीडियो किया है। करूंगी वो है, मैं एक ऑयल बेस्ड रिमूवर लूंगी, कोई भी आप ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हो। ऑयल बेस्ड मैं इसलिए लूंगी क्योंकि ऑयल्स ना हेल्प्स वेल रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ डल। ये स्किन केयर तो चलता रहेगा, उसके बाद और मुझे ब्लॉग करने का हिम्मत नहीं है। पूरा दिन मैं जो कुछ भी किया आपके साथ शेयर किया। लॉकडाउन मेरी कुछ ऐसे ही चल रही है, कभी वर्कआउट करती हूँ तो किसी दिन शूट करती हूँ, किसी दिन एडिट करती हूँ, देन आई स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स फैमिली एंड माय ब्यूटीफुल पपीज नो डाउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे और भी इम्प्रॉम्प्टू व्लॉग्स देखना है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट करें और इस वीडियो को एटलीस्ट 20K लाइक दे, फिर मैं ऐसे पोस्ट करती रहूँगी। अगर आप लाइक्स नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं पोस्ट नहीं करूँगी। So, अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो लाइक तो आपको देना पड़ेगा गाइस, लाइक के बिना मुझे समझ कैसे आएगा। एंड गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। एंड बहुत ही अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय।